फ्रेंड्स, मैं निकी आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन यूट्यूब प्रमोशनल वीडियोस में, जहाँ आप सीखते हैं बेसिक टू एडवांस टैली प्राइम। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी परचेज की एंट्री करना। मेरे पास एक शॉप की लिस्ट है, ये जो लिस्ट है मेरे पास ये शॉप की है जहाँ से कुछ आइटम परचेज किए गए हैं। तो इसकी मैं पूरी डिटेल्स आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमने जो ये शॉप परचेज की है वो उसकी एंट्री हम कैसे टैली प्राइम पे करेंगे। तो आइए इसके लिए हम आते हैं टैली प्राइम पे। इसके लिए हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, आएंगे क्रिएट कंपनी क्रिएट पे, और जो यहाँ से सारी कंपनी की डिटेल्स थी वो हम डाल देंगे। हमारे पास इन आउट इन एंड आउट नाम की एक कंपनी है, जो कि है एड्रेस उसका है हमारा आरसी फिलिंग स्टेशन बैरिया मुजफ्फरपुर। नीचे आएंगे स्टेट हमारा बिहार होगा, जो भी कंपनी की डिटेल्स वगैरह होगी वो हम डाल देंगे एंड इस कंपनी को एक्सेप्ट कर लेंगे। उसी कंपनी की फोन नंबर है वो हम डाल दें। एट सिक्स नाइन थ्री 1 6 5 9 8। इस तरह से हमने कंपनी का फोन नंबर डाला और जो ईमेल वेबसाइट वगैरह जो भी होगी कंपनी की वो सारी डिटेल्स हम डाल देंगे एंड देन हम इस एंट्री को फिलहाल यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ इन एंड आउट की एक कंपनी बन गई और इस कंपनी की जो भी डिटेल्स थी वो मैंने डाल दी। और अब इसके बेनिफिट पे मैं टैली प्राइम में एक एंट्री करूँगी। यहाँ पे हमें GST वगैरह अनेबल रहने देने हैं, ये सर्विस टैक्स लग रहे हैं वो हम इस एंट्री को यहाँ से एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। वापस हम आएंगे भाउचर पे आके हमारे कंपनी का जो पार्टीज का नाम है वो हम डालेंगे पहले, कि हमारे कंपनी जो सॉरी जिस शॉप से हमने परचेज किया है उस पार्टी का नाम। तो इन एंड आउट डाल देना है, उसकी एक हमें लेजर क्रिएट करनी होगी पार्टीज नेम की। तो हम यहाँ पे आके एक लेजर क्रिएट कर ले रहे हैं। इंटरफेस करेंगे, ये हमारा आ गया सिंडिकेटर, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे और मैं बिल वाइज बिल मेंटेनेंस कर लें वो भी हम यस रखेंगे एंड देन हम इस एंट्री को भी यहाँ पे एक्सेप्ट कर देते हैं। वापिस हम लेजर बनाएंगे परचेज की एंट्री कर रहे हैं, तो हमें एक परचेज की लेजर भी क्रिएट करनी होगी। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई नई कंपनी क्रिएट करते हैं तो वहां पे आपको सारे लेजर्स वगैरह वापिस से क्रिएट करने होंगे। परचेज हमारे परचेज के अकाउंट में आता है, लेजर टाइप हमारा GST अप्लीकेबल हम यस कर दे, अप्लीकेबल कर दे, फिर GST अल्टर यस कर दे और जो भी GST की डिटेल्स है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। GST का ट्रांजैक्शन टाइप किस टाइप का है
ये वो डाल दे, जीएसटी की डिटेल, एग्जाम लग रही है, नील लग रही है, टैक्सेबल है तो टैक्सेबल ले लेंगे, कितना परसेंट टैक्सेबल है तो टोटल अमाउंट पे इसकी जीएसटी टैक्सेबल होगी, वो हम डाल देंगे। जो भी जीएसटी देना है वो हम डाल के यहाँ से इस एंट्री एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमारे पास जो जो आइटम है वो हम क्रिएट कर लेंगे। जैसे हमारे पास आइटम है मैग्नेटिक कवर कॉपी, युवा 3 इन 1 कॉपी है, मैथ की कॉपी है, नोटबुक है, एंड लास्ट हमारा है प्लेन नूडल्स। इन सब की हम जो हमारी ऑप्शन है इन सब की हम यूनिक आइटम नेम क्रिएट कर ले। तो फर्स्ट हमारा था क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट कर ले रहे हैं। मैंने कॉपी इसकी यूनिट भी क्रिएट करनी होगी, कितने पीस है। वापस क्रिएट ऑप्शन पे जाएंगे, अंदर हमारा ब्रांडिंग है, यहाँ से हम कर ले रहे हैं क्रिएट यूनिट। तो हमारी मैग्नेट कवर कॉपी कितनी पीस है, 1 पीस, रेट पड़ रहा है हमें 90 रुपए पर पीस। अंदर हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन था हमारा युवा 3 इन 1 कॉपी, क्लिक कर लें। नेक्स्ट है हमारा कॉपी, कॉपी 25 इसमें है, वन पेज है, रेट पर है। नेक्स्ट आइटम था हमारा, नेक्स्ट हमारा था नोटबुक, इसकी हम एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। वन पीसेस है, वेट पर रहा है उसका 65 रुपीज। नेक्स्ट हमारा है जो कि हमारा जो से रेट पर रहा है। अंदर हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो अगर आपको बिल चाहिए इसकी तो आप बिल नंबर डाल सकते हैं, जैसे कि बिल नंबर हम डाल दे रहे हैं 6154, जो भी हो।
डेट वगैरह हम जाना तो सुनती को नरेशन लिख सकते हैं परचेज एनी आइटम आपने देखा परचेज वाउचर में एक शॉप की जो कि इन एंड आउट शॉप का नाम है उसमें कुछ परचेज किए हुए आइटम का हम डिटेल कैसे हम किस तरह से बिल निकालते हैं और किस तरह से इसकी कॉपी करते हैं और किस तरह से बिल नंबर हम इसमें इंक्लूड करते हैं। ये हमारा प्रमोशनल वीडियो था। अगर आपको हमारे कंप्यूटर की सारी डिटेल्स चाहिए तो आप डे बुक्स में जो हमने परचेज किया कंप्यूटराइज बिल चाहिए इसकी तो आप यहाँ से प्रिंट आउट करके निकाल सकते हैं इस बिल को। अदर पे जाके जो आपको बिल वगैरह जिस टाइप की आपको बिल चाहिए उस टाइप से आप शो करके इस बिल की पूरी डिटेल आप कॉन्फ़िगरेशंस में सारे रिपोर्ट्स करके इस बिल को निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स आपने सीखा परचेज अकाउंट में हम किस तरह से आइटम की क्वांटिटी रेट और अमाउंट डाले जो डिस्काउंट होता है तो डिस्काउंट भी डालते हैं। अगली वीडियोज में मैं आपको डिस्काउंट के बारे में बताऊंगी। अगर आपको हमारे कोर्स की कंप्लीट वीडियो चाहिए आप आईपीटी एक्सेल स्कूल की मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आपको मिलता है कंप्लीट टेलीग्राम की बेसिक टू एडवांस वीडियोस और कंप्लीट बीबीए की वीडियोस, एक्सेल विथ माइक्रो प्रोग्रामिंग की वीडियोस, एक्सेल विथ फॉर्मूले की वीडियोस और 1-to-1 लाइव क्लास जिससे कि आप कैसे कनेक्ट करें उसकी वीडियो। तो मोबाइल ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है वहां से आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मनपसंद कोर्स परचेज कर सकते हैं और अपनी पूरी कोर्स की डिटेल्स वहां से देख सकते हैं। तो थैंक यू।